तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में अपन देखेंगे रिकर्शन। तो रिकर्शन लास्ट क्लास में जो अपने लेक्चर्स थे उसमें अपन ने देखा था फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल अपन ने देखा था, फिर अपन ने फंक्शन डेफिनेशन भी देखा था, उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने फंक्शंस में देखी थी। उसके बाद मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ाया था, किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू काम करता है, किस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस काम करता है, ये भी अपन ने लास्ट क्लास में देखा। फिर मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, हाउ वी कैन स्वैप द टू नंबर्स, दो नंबर्स को अपन स्वैप कैसे कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस पर, ये भी अपन ने प्रोग्राम लास्ट क्लास में किया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा, वीडियो रिकॉर्डेड प्रीवियस लेक्चर है, प्लीज आप कॉलेज की साइट यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा का, उस पर जाएं और पीपीएस बाय हिमांशु स्वर्णकार करके सर्च करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी पूरी, उसमें सारे लेक्चर्स अपने अवेलेबल हैं, आप लोग प्लीज देख लीजिए इसको। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे रिकर्शन। रिकर्शन का अगर बेसिकली मीन देखा जाए तो इसका मतलब होता है फंक्शन कॉल इट सेल्फ का मतलब क्या हो गया, यदि कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, फंक्शन अपने आप को कोई कॉल करता है, दैट इज नॉन रिकर्शन। समटाइम्स ये कुछ कैटेगरी में बांटा गया, जैसे कभी कभार कहते हैं कि डायरेक्ट रिकर्शन, इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक कोई फंक्शन है ए और ये अपने आप को कॉल कर रहा है उसकी बॉडी पर, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन ए जो है ये किसी फंक्शन बी को कॉल कर रहा है और ये फंक्शन बी की जो बॉडी है वो फंक्शन ए को कॉल कर रहा है। तो इस टाइप के अपन कह सकते हैं इट इज अ सिंपली वी कैन से इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल। तो जनरली अपन डायरेक्ट फंक्शन कॉल की बात करेंगे, ये जनरली पॉपुलर है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम इसी के अंदर हो जाते हैं। तो डायरेक्ट अगर अपन बात करें फंक्शन रिकर्शन की तो उसमें क्या होता है, देखो नाउ ओके सो फंक्शन कॉल इटसेल्फ दैट इज नॉन एन रिकर्शन। अगर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिकर्शन बोलेंगे। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं, क्या क्या चीजें हैं, एक तो जब भी अपन किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं देर शुड बी अ स्पेसिफिक टू द सॉल्यूशन, मतलब जो फंक्शन रिकर्शन कॉल हो रहा है वो जिस स्पेसिफिक सॉल्यूशन को अपन को अचीव करना है उसके नियरेस्ट जाता जाना चाहिए, ये तो पहली चीज होगी। और दूसरी चीज क्या है, स्पेसिफिक टू सॉल्यूशन, मतलब अगर आप फंक्शन के इटरेशन को कॉल करें, अभी पता चल जाएगा रिकर्शन में, अभी 2 मिनट में बताऊंगा, तो वो स्पेसिफिक टू द सॉल्यूशन होना चाहिए। और दूसरा क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन। टर्मिनेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन उसमें होनी चाहिए कि जहां पर जाके वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा तो फंक्शन क्या चल जाएगा, इन्फाइनाइट लूप पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए फंक्शन है, इसने ए फंक्शन को खुद को कॉल किया है, तो यहाँ से अपन यहाँ गए, इसने यहाँ गया, खुद को कॉल किया तो वापस ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, तो ये इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा। इसलिए टर्मिनेशन कंडीशन एक होनी चाहिए। दूसरा, जब भी वो रिकर्शन कॉल करे तो रिकर्शन कॉल के अंदर वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक टू द सॉल्यूशन होनी चाहिए, जो अपन चाहते हैं उसके नियर बाय जाती जानी चाहिए। या अपन कह सकते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर टू, टर्मिनेशन कंडीशन दैट मस्ट बी फॉलो द टर्मिनेशन कंडीशन, मस्ट बी टर्मिनेशन कंडीशन उसमें फॉलो होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बेसिक थ्योरी था। इसी के अगर अपन आगे बात करें, जैसे एक फंक्शन है आपका फैक्टोरियल निकालना, जैसे इसको अपन नॉर्मल इटरेशन से किया था, आपको याद हो तो फॉर लूप से भी अपन ने किया था फैक्टोरियल। ठीक,
सबसे अच्छा एग्जांपल है रिकर्शन का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा 5 का फैक्टोरियल, कोई बता सकते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 120 120। तो देखो 5 के फैक्टोरियल की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 और 4 20 और 3 60 और ये 120। ठीक है, सिंपल सी चीज हो रही है। यहाँ पे अगर अपन लिखें तो यहाँ पर अपन एक वेरिएबल ले ले सपोज एन, जिसका अपन को फैक्टोरियल निकालना है। फिर उस एन को डिक्रीज करते जाओ कब तक, ग्रेटर देन 1 तक। और डिक्रीज करने के बाद एट द एंड जो आपके पास रिजल्ट आया दैट इज योर फैक्टोरियल, वो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हाउ वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ वी कैन से रिकर्शन फंक्शन। रिकर्शन फंक्शन इसको कैसे कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। इटरेशन से मैंने आपको बताया था, नॉर्मली इटरेशन से भी अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ अपन लिया 4 i = n, n क्या आपके यहाँ पर 5 है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, i = n के बाद i > 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आई अभी 5 है, 5 के बाद वो आपकी वैल्यू जो है वो 4 3 2 1 इस तरीके से कम होगी, और i - ठीक है, इसके अंदर गया पर। नाउ अपन क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी आप वेरिएबल चाहे तो ले सकते हैं, लाइक फैक्ट 1 ले लिया, फैक्ट की वैल्यू इंट वेरिएबल ले लिया। यहाँ मैं लिखूंगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, सॉरी आई कर दूंगा क्योंकि आई की वैल्यू अपन ने वहीं तक की आई। तो देखो अभी फैक्ट की वैल्यू कितनी है, 1। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू, सही से कर देता हूँ, नहीं लिख रहा हो तो, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको फैक्टोरियल काउंट करना। क्या लिख रहा हूँ मैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो इनिशियली देखो फैक्ट की वैल्यू क्या है, अगर आप देखेंगे या फैक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है, एन है, एन एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपन ने 5 दे रखी है। तो ये क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल टू 1 × 5, तो पहले 1 था इंटू 5। ठीक है, फिर वापिस आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 4। क्या 4 मेरा 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, अंदर जाएंगे तो फैक्ट क्या हो जाएगा, फैक्ट फैक्ट में क्या पड़ा है, 5 × 1 = 5 अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई से, आई की वैल्यू क्या होगी, अब 4 होगी। वापिस ये लेस होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो होने के बाद क्या 3 0 से बड़ा है, यस 3 > 3, अंदर गए, फैक्ट में क्या पड़ा है, 1 5 4 × 3 भी हो जाएगा। अगेन ये आगे आई की वैल्यू माइनस माइनस होकर 2 होगी। क्या 2 मेरा 0 से बड़ा है, यस 2 मेरा 0 से बड़ा है, तो अगेन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस होके। क्या 1 मेरा 0 से बड़ा है, तो इंटू 1 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बाद 0 हो जाएगी। क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट में क्या आया, 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120, और यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे फैक्ट को। फैक्ट को मतलब ये जो फैक्ट जिसके अंदर अपन ने वैल्यू ली उसको अपन ने प्रिंट किया। तो ये जो मैटर था इसको अपन बोलते हैं इटरेटिव का मतलब इटरेशन होते हैं, एक एक इटरेशन होते हैं, उस इटरेशन में होता है। That is simply called a iterative method. इसको अपन क्या बोलते हैं, iterative method. अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, factorial, sorry, recursion. अभी जो मैं factor निकाल रहा हूँ, that is reformed recursion. तो अपन इसको किसकी तरीके, किस किसके हेल्प से कर रहे हैं, we do it with the help of recursion. So recursion से कैसे कर रहे हैं वो अपन देखें। So, it is a old method. इट इज अ इटरेटिव मेथड जो कि आप लोग कर चुके हैं और पहले अपन ने देखा भी था। सो इट इज फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, जो इटरेटिव मेथड कहता है।
नाउ वी डूइंग द सेम टास्क बट विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। तो रिकर्शन से कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। तो आई होप ये आपको पता होगा, यस और नो? इटरेटिव मेथड से फैक्टोरियल कैसे निकाला ये पता है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। या इसका प्रोग्राम कराऊं, ये पहले देख चुके अपन, जल्दी से बताइए इटरेटिव मेथड से फैक्टोरियल निकालना आपको आता है या नहीं आता है, यस और नो जल्दी से बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? राहुल, हिमांशु, अनिल, क्षितिज, ऋषि, राहुल भोई, दर्शना और भी दो स्टूडेंट्स हैं। क्या फैक्टोरियल निकालना आपको आता है इतनी इटरेटिव मेथड से, जल्दी बताइए, यस और नो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? राहुल, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस सर। तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, 2 मिनट हो गए मेरे को पूछते हुए। ये इटरेटिव मेथड आता है कि नहीं आता है? ऋषि का रिप्लाई है यस सर। ओके, फैक्टोरियल निकालना विद फोर लूप आता है या नहीं आता है? क्या इसका प्रोग्राम बताऊं मैं? ये प्रोग्राम ही था कि रिकर्शन पे आ जाऊं। क्या अभी ये जो बताया इसका प्रोग्राम बताऊं मैं आपको कि सीधा रिकर्शन पे आ जाऊं, बताइए। क्या इसका प्रोग्राम बताऊं कि सीधा रिकर्शन पे आ जाऊं, जल्दी से बताइए। क्या प्रोग्राम बताऊं तो प्रोग्राम लिख के बोलो तो मैं इसका प्रोग्राम बता दूंगा, फिर मैं रिकर्शन पे आता, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं रिकर्शन। चलो ठीक है, रिकर्शन पे आ जाते हैं सीधा। अब इसी काम को अपन रिकर्शन से करेंगे। अब देखिएगा आप रिकर्शन से किस तरीके से होता है, लेट्स हैव अ लुक। देखो रिकर्शन में क्या किया, यहां पर अपन ने एक फंक्शन बना दिया, माना कि उस फंक्शन का नाम लिखा अपन ने फैक्ट। ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। सो फैक्ट के अंदर अपन ले लेंगे इंट एन, कोई वैल्यू ले ली। यहां अपना है इंट मैन, और इसके अंदर अपन ने इंट नाम ले लिया, कोई नंबर ले लिया जिसका अपन को फैक्टोरियल निकालना है। यूजर से लिख देंगे प्लीज इंटर द नंबर फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल, माना कि उस नंबर में मैंने पास कर दिया। फॉर एग्जांपल इस नंबर के अंदर मैंने पास कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 पास कर दिया, और यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा एन यू एम नाम, और यहाँ पर मैं कॉमा करके एक बार वेरिएबल लेता हूँ फैक्टोरियल, जो रिजल्ट आएगा तो मैं लिखता हूँ फैक्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। फैक्ट नाम का फंक्शन भी ले लिया है तो इसका नाम अपन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ मैं लिखा हूँ इंट एन जो कि नंबर के लिए है आपका, आर ई एस जो कि आपका रिजल्ट के लिए, आर ई एस लेते हैं रिजल्ट, और एक फंक्शन लेंगे जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका नाम अपने रख दिया फैक्ट और एक इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप बताया, फंक्शन का नाम बताया और उसका आर्ग्यूमेंट बताया, दैट इज नॉन एज अ फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फंक्शन का प्रोटोटाइप। फिर अपन क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे यूजर को एंटर द वैल्यू ऑफ एन जिसका अपन को फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एफ, एंटर नंबर, जिस नंबर का आपको फैक्टर फाइंड आउट करना हो वो नंबर आपको एंटर करना है, उसको अपन यहाँ पे स्कैन एफ कर देंगे परसेंट डी के साथ,
पावर नंबर के वैल्यू क्या ले लिया अपन ने, एन ले ली. फॉर एग्जाम्पल एन वैल्यू क्या ले लिया अपन ने, एन इजिकल्स टू 5 ले लिया या 8 ले लिया. 8 लिख दिया मैंने, पर इसको मैं 5 कर देता हूँ. एन इजिकल्स टू मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया. अब क्या होगा, अपन लिखते हैं यहाँ पे res result is equals to fact और ब्रैकेट में अपन क्या पास कर देते हैं, n पास कर. तो यहाँ पर क्या हो गया, अपन ने n के मतलब 5 की वैल्यूज में पास किया. और ये क्या कर रहा है, ये एक इस टाइप का फंक्शन है जो कि एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है इंटीजर टाइप का और एक वैल्यू पास रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का. बाहर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वैल्यू रिटर्न क्या करता है, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं. ठीक है, अब जैसे इसको अपन ने कॉल किया, अपन यहाँ आएंगे, यहाँ एन के अंदर कितना आ जाएगा, आपके एन के अंदर 5 आ जाएगा. तो यहाँ पर 5 आ गया. अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है आपका, इसके अंदर अपन कंडीशन देखेंगे. पहली कंडीशन देखते हैं, इफ n is less than या n equals to कर देते हैं अपन. मैं आपको और बताता हूँ, दोनों कंडीशन अपन चेक कर लेते हैं. इफ n equal equals to 1 तो अपन कर देंगे रिटर्न. अगर ये जो n अपन पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे अपन क्या रिटर्न करेंगे, ओनली 1 रिटर्न करेंगे. अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे अपन एक ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हैं या लोकल वेरिएबल भी आप चाहें तो ले सकते हैं. और फिर यहाँ अपन लाइक क्या लिखेंगे, एल्स में रिटर्न या रिटर्न को नीचे लिखेंगे. एल्स में देखो क्या लिखते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर, माना कि फैक्टोरियल इंट टाइप का वेरिएबल ले लेंगे अपन. यहाँ मैं लिखूंगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने इनिशियली 1 वैल्यू पास कर दी है, इनटू फैक्ट एन माइनस 1. क्या लिखा मैंने, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इनटू फैक्ट एन माइनस 1 और यहाँ मैं लिख दूंगा रिटर्न फैक्ट. रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न फैक्टर. ये जो फैक्ट की वैल्यू आई, ये जो फैक्टोरियल वैल्यू आई, फैक्टोरियल उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया. अब आपको हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा होगा, अब देखिए किस तरीके से काम कर रहा है. सबसे पहले यहाँ पे अपन ने n पास किया, n की वैल्यू क्या है, 5 है. क्या 5 मेरा 1 के बराबर है, नहीं है, तो अंदर गए. यहाँ पे क्या लिखा, फैक्टोरियल. तो देखो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. पर फिर अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल, फैक्टोर में क्या पड़ा अभी आपका 1, इंटू इंटू क्या लिखा, फैक्टोरियल एन माइनस 1. फैक्टोरियल एन माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1. ठीक है, तो फैक्टोरियल एन में क्या पड़ा था आपका, 5 पड़ा था. एन माइनस 1 मतलब कितना हो गया आपका, 4 हो गया. 4 में इसने फिर से इसने फंक्शन को कॉल किया. ठीक है, और यहाँ लिखा है रिटर्न फैक्टोरियल, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो रिजल्ट आएगा उसको ये रिटर्न कर रहा है. पर अभी तक तो अपने पास आई नहीं वैल्यू, तो यहाँ पर एक रिटर्न वैल्यू अपन तो करनी पड़ेगी जो कि रिजल्ट आएगा. पर इसने वापस फैक्टर को कॉल कर दिया. अब जैसे ही फैक्टर को कॉल करेगा, फैक्टोरियल फैक्ट एन माइनस 1 5 माइनस 1 4, तो अब इस एन में क्या आ जाएगा, 4 आएगा. अब ये 4 के लिए वापस अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो चुकी है. यहाँ पे फैक्ट कितना था आपका, 1 था. ठीक है, अब यहाँ आए, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, वापिस अब आके देखो तो यहाँ पर आप जैसे आओगे, यहाँ पर लिखा होगा फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर इनटू फैक्ट माइनस 1. तो देखो अब यहाँ आए तो अपन वापिस रिटर्न होके आ रहे हैं. तो यहाँ पर एन इक्वल इक्वल टू 1, क्या एन इक्वल टू 1 है, नहीं, एन इक्वल टू कितना आपका, 4 है. एल्स में क्या, फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टरियल इनटू फैक्ट माइनस एन. फैक्ट एन या फैक्टोरियल की जगह अपन लिख सकते हैं, हालांकि मुझे मल्टीप्लाई ही चाहिए, तो एट द एंड सबसे अच्छा करते हैं, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट इज द गुड थिंग. यहां मैं लिख लेता हूं एन.
एन से क्या फर्क पड़ेगा देखो, यस दैट इज ओके, नाउ इट इज गुड। वापिस शुरू से स्टार्ट कर दो, ध्यान देखे, सबसे पहले एन क्या था, पांच, तो फैक्टर में क्या लिखा, पांच इंटू फैक्टर एन माइनस वन, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे मैं लिखूंगा पांच इंटू फैक्टर एन पांच माइनस एक, ये रिटर्न करना है, लेकिन अभी रिटर्न नहीं होगा क्योंकि इससे पहले, इस लाइन पे आने से पहले अपन ने क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे इस फंक्शन को कॉल किया, वापिस अपन इस फंक्शन पे जाएंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल एन माइनस वन, अभी चार अंदर गया, क्या चार मेरा एक के बराबर है, नहीं है, तो एल्स में गए, फिर अपन लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पर, चार, चार इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, मतलब तीन के लिए वापिस ये फंक्शन कॉल होगा, तो वापिस यहाँ पर पहले चार पास हुआ था, अब तीन हो जाएगा क्योंकि एन माइनस वन एन कितना था आपका, चार था, एन माइनस वन वापिस यहाँ गए, यहाँ वापिस नहीं आएंगे, यहाँ रिटर्न होना चाहिए था पर रिटर्न नहीं किया अपन ने, वापिस यहाँ गए, अब एन की वैल्यू कितनी होगी, तीन, क्या तीन मेरा एक के बराबर है, नहीं है, तो एल्स पार्ट में गए, यहाँ पे क्या होगा, तीन इंटू फैक्टोरियल टू, क्योंकि एन माइनस वन तीन माइनस एक आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, क्या टू हो गया, क्या टू मेरा वन के बराबर है, नहीं है, तो ये रिटर्न जाने से पहले वापिस अपन क्या कॉल कर दिया, टू इंटू फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल वन क्यों हो गया, क्योंकि एन माइनस वन आपका वन होता, यहाँ गए, एन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री हुई, टू हुई, वन होगी, क्या एन बराबर वन है, यस एन बराबर वन है, तो रिटर्न क्या कर दिया अपन ने, वन, यहां से आपका रिटर्न होगा वन, वो रिटर्न क्या आएगा आपका, यहाँ पर वो रिटर्न, अभी फैक्टोरियल वन का क्या रिजल्ट आया, वन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, टू इंटू वन, फिर ये वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ आएगी, यहाँ क्या रिटर्न आएगी, टू इंटू वन, वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, जिस फंक्शन इसको कॉल किया था, तो यहाँ पूरा रिजल्ट क्या हो गया, थ्री इंटू टू इंटू वन, अभी रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगी थ्री इंटू टू इंटू वन, अभी पूरी वैल्यू यहाँ से क्या होगी, इसके चार के साथ मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होगी, क्या वैल्यू आई, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, अभी पूरी वैल्यू इस यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू रिटर्न क्या हो जाएगी, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कहाँ से कॉल किया था, यहाँ से कॉल किया था, तो इसमें क्या आ जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो आपके पास रिजल्ट कितना जाएगा, 120। तो किस तरीके से काम किया, अपन यहाँ पे आके रुक गए और इस यहाँ इस लाइन पे आने से पहले वापिस अपन ने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो यहाँ पे रुक गए, तो अपन यहाँ से कहाँ कूद गए, यहाँ कूदे, यहाँ से कहाँ कूदे, यहाँ कूदे, यहाँ से कहाँ कूदे, यहाँ, और यहाँ से यहाँ, फिर रिटर्न आपके यहाँ आए, रिटर्न फिर यहाँ आए, फिर रिटर्न यहाँ आए, फिर रिटर्न यहाँ आए, तो ये कुछ कि, कुछ किस तरीके से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली मेंबर ने किसी, आप कुछ काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रोग्रामिंग का असाइनमेंट कर रहे थे, आपके फैमिली मेंबर ने कहा कि आपको ये काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली मेंबर ने कहा कि गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग द मिल्क, मिल्क लेके आइए, तो फिर आप क्या करोगे, डेयरी पे गए मिल्क लेने, आपका काम छोड़ के, तो जहां आप जिस लाइन पे छोड़ के गए थे वहीं रुक जाओगे और आप मिल्क लेने चले गए। अब मिल्क की डेयरी के भी जाके आपको पता चला कि मिल्क मैन कह रहा है कि दो मिनट रुकिए, आई गो टू द ब्रिंग द मिल्क, मैं ब्रिंक दूध लेके आता हूँ, हो सकता है उसके वेयर हाउस में होगा या कहीं से और होगा, यू स्टॉप देयर एंड दैट पर्सन गो टू द ब्रिंग द मिल्क, वो व्यक्ति मिल्क लेने गया, आप वहीं रुके, अब आगे का वो काम हुआ, अब वो जैसे मिल्क लेके आया उसने आपको दिया, फिर आपके वो रिटर्न हो रहा है, तो जैसे उसने मिल्क दिया उसने आपको दिया, आप घर पे गए मम्मी को दिया और आपने वापस अपना काम कहाँ से रिज्यूम किया, और सी प्रोग्रामिंग का असाइनमेंट कहाँ से रिज्यूम किया, जहां से आपने स्टॉप किया था। तो सिमिलरली जब भी अपन रिकर्शन फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे अपन गए अंदर आए, कंडीशन चेक की नहीं हुई, यहाँ फैक्टर इक्वल्स टू एन इनटू फैक्टर, वापस अपन इसको कॉल किया, तो अपन को आना तो इस लाइन में था पर यहाँ बीच में फंक्शन कॉल होगा, तो जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म होगा उसके बाद इस लाइन पे आएंगे, ये कुछ इस तरीके से काम होता है, तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग बताता हूँ, तो देखें अपन प्रोग्रामिंग देखते हैं, कई कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको सी प्रोग्रामिंग बताता हूँ। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए, इट इज नॉट मच हार्डर, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए, बट इट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ओके चलो, नाउ सी
क्या देखें? नाउ हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, एंड वी टेक अ वेरिएबल इंट फैक्टोरियल, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया अपन ने इंट फैक्टोरियल टाइप का, जो कि ग्लोबल ले लिया. ग्लोबल क्या होता है? वह वेरिएबल जिस वेरिएबल्स को अपन हेडर फाइल के बाद स्टोर करते हैं, दैट इज सिंपली नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल. फिर यहां लिखते हैं अपन इंट मेन. फिर देखो, फिर मैंने क्या बताया था, वी आर गोइंग टू टेक अ वेरिएबल्स लाइक इंट एन, जो नंबर अपन लेना चाहते हैं, एक रिजल्ट, ठीक है, और एक अपन फंक्शन ले रहे हैं इंट फैक्ट टाइप का, जो कि एक वेरिएबल ले रहा है, फैक्ट टाइप की वैल्यू ले रहा है. अब मैं एक मैसेज देता हूं प्रिंट एफ. तो ये प्रोग्राम क्या है अपना, अपन जो पढ़ रहे हैं, दैट इज रिकर्शन. और ये क्या है, अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ. फंक्शन खुद को कॉल करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं. और इसके अंदर अपन ने ये प्रिंट एफ या मैसेज लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल. फैक्टोरियल के लिए आप क्या नंबर को इंटर कीजिए, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एन परसेंट एन कर दिया अपन ने, तो वो जो नंबर था अपने पास आ चुका है. अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल. देखो अपन ने क्या लिखा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल. ये फंक्शन जो बनाया, फंक्शन बनाया अपन ने फैक्ट, फैक्ट और ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, एन नंबर को पास कर दिया जिसको अपन ने किया था. तो यहां पे मैं एक मैसेज कर देता हूं प्रिंट एफ, वी आर इन द मेन फंक्शन. आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूं, वी आर इन द मेन फंक्शन. फिर इसको कॉल किया, यहां पे चले गए, इस यहां पे कॉल आया, और यहां पे लास्ट में लिख दूंगा प्रिंट एफ, वी आर बैक टू द मेन फंक्शन. और यहां पे लिख देता हूं प्रिंट एफ, द वैल्यू ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज इक्वल्स टू परसेंट डी. तो नंबर कौन सा था आपका, नंबर था एन, और परसेंट डी में रिजल्ट में आपका आएगा, ठीक है, ये आपका हो चुका है. अब फैक्टोरियल फंक्शन की बात करते हैं, उसकी बॉडी डिफाइन कर लेते हैं, इंट फैक्ट इंट अपन कुछ भी ले लेते हैं, एफ ले लो आप चाहो तो. अब यहां पर क्या होगा, देखो जैसे अपन इसको एन को पास करेंगे, एन की कॉपी किस में चली जाएगी, एफ में चली जाएगी आपका. तो यहां पर मैं मैसेज देता हूं प्रिंट एफ, वी आर इन द फैक्ट एंड वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा एफ, ठीक है. फिर ये बार बार कॉल होगा तो आपको पता चलेगा किस तरीके से काम आपका हो रहा है. फिर यहां पे देखो, यहां पे मैं लिखूंगा वी आर इन द फैक्ट, हो गया आपका, वैल्यू आ गई. इफ अगर एफ इक्वल इक्वल्स टू वन, अगर एफ की वैल्यू वन है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न क्या करना है मुझे, ओनली वन को रिटर्न करना है. अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में अपन क्या करेंगे, देखो अपन ने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, दैट इज सिंपली नोन एज अ हीरा, फैक्टोरियल लिखा था, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू
एफ एफ आपकी वैल्यू है इनटू एफ इनटू फैक्ट एफ माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर वापस अपन इस यहाँ पे वापस फंक्शन में आ जाएंगे जब रिटर्न होके आएंगे, तो यहाँ पे मैं लास्ट में करूँगा रिटर्न रिटर्न। तो यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल होके वापस यहाँ पे यहाँ प्रिंट एफ लिख दूंगा, प्रिंट एफ, और यहाँ बोलूँगा वी कम बैक टू फैक्ट फंक्शन एंड वैल्यू वैल्यू लिख लेता हूँ एंड एंड वैल्यू ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन एंड नंबर इज इक्वल्स टू परसेंट डी। चलो नंबर तो वो आपका वो हो जाएगा, तो वी जस्ट पुट इट हियर कॉमा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो वैल्यू रिटर्न हुई है। या आप कंफ्यूज ना हो तो बस इतना ही लिख लेता हूँ, कम रूट ऑफ फैक्टर, दैट्स इट, इट इज ओके। और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न फैक्टोरियल, दैट्स इट, ये फंक्शन आपका हो चुका है। वापिस अपन यहाँ आएंगे, वी आर कम बैक टू द, और यह रिजल्ट कर दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सर स्पेलिंग मिस्टेक है सर, कहाँ पर 23 फैक्टोरियल, ओके थैंक यू, ठीक है। वेरिएबल की स्पेलिंग ये लिखी है अपन ने, फैक्टोरियल, ओके। आई सिंपली सेव इट, फाइल सेव इज देन द नेम ऑफ द नेम लैब प्रोग्राम 57, तो 58 डॉट सी, आई जस्ट कंपाइल इट, ओके, आई जस्ट पुट द सेमी कॉलन No. We are in the main function थे, फिर enter the number for factorial, suppose अपन ने 5 enter किया, तो देखो we are in the factorial value equals to 5, अच्छा ये बार बार यहाँ आ रहा है, तो I do one thing, we are back to the factorial slash n, control s, compile, 5 डाला, तो देखो कैसे आ रहा है, we are in the factorial, factorial function में गए तब पहली बार गए तब 5 था, फिर उसने एक और factorial को call किया, देखो यहां पर ये फैक्ट एफ इंटू एफ माइनस वन वापिस कॉल किया था, उस वाले में अंदर क्या था, वी आर इन फैक्टोरियल एंड वैल्यू इक्वल्स टू 4321, वी आर बैक टू द फैक्टोरियल। अब 1 पे जाने के बाद ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, देखो 1 पे जाने के बाद आपकी वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है। तो यहां पे एक चीज कर सकता हूं, एंड रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा फैक्टोरियल, इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आई जस्ट कंपाइल इट एंड रन इट। तो देखो यहां पर देखो क्या हो रही है, ये 5 बार कॉल हुआ, 5वें के लिए कॉल हुआ, 4थे के लिए, 3रे के लिए, 2रे के लिए। अब 1 पे आने के बाद 1 से इसने क्या वैल्यू रिटर्न की, 2, 2 कैसे आया था, देखो यहां पर 2 आपका वैल्यू होगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा आपका 2, फिर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू आपका 3 के बाद कितना का 4, तो 24, और 24 इंटू 5 तो आपको कितना का 120। वी आर बैक टू द मेन फंक्शन एट द एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू 120, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो यही चीज मैंने आपको इसमें बताई थी, यहाँ देखो अपन यहाँ आए फैक्टोरियल फंक्शन में आए, एन की वैल्यू रिड्यूस हुई, फैक्टोरियल एन माइनस वन तो 5 से 4 हो गया। अब इस लाइन में जाने से पहले अपन वापिस इस फंक्शन को कॉल कर दिया, दैट्स वाई इट बिकम लाइक अ रिकर्सिव, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, एट द एंड 1 रिटर्न किया, 1 इंटू 2 यहाँ पर 2 आएगा,
तो ये टू रिटर्न होगा, फिर टू इंटू थ्री यहाँ पर कितना आएगा आपका सिक्स, देन सिक्स इंटू फोर 24, और 24 इंटू फाइव आपका 120, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड इट इज योर रिटर्न, ये आपका रिटर्न का रिजल्ट है जिस तरीके से आ रहा है। तो बताइए क्या ये प्रोग्राम समझ में आया, यस और नो, अंडरस्टूड? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, तो ये फैक्टोरियल नंबर का एक प्रोग्राम मैंने आपको करके बताया। नाउ द सेम थिंग आई जस्ट गिव यू द क्वेश्चन, एक होमवर्क है जो कि आपको आज करना है और मुझे रिप्लाई करना है आज का। द सम ऑफ वी कैन से द सम ऑफ इवन नंबर कह लें, या अपन ऐसे सिंपल प्रोग्राम देता हूं आपको, इतना मत करो। द सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स, 1 से 10 नंबर को आपको सम करना है बाय यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन की सहायता से आपको सम करना है। तो मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के आप भेजिएगा, हाउ वी कैन एड 1 to 10 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन से करना है, इटरेटिव से नहीं करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 1 to 10 नंबर्स का सम करना है बाय यूजिंग रिकर्शन। सो इट इज योर होमवर्क। तो ये कल की क्लास में मैं आपका चेक करूंगा, ठीक है? सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।